अरबों की, की बर्बादी शुरू हो चुकी है अरब ममालिक रफ्तार रफ्तार अपनी अकदार को अपनी सकाफतियों के अंदर खंजर घोंपने के लिए यहूदियों को अपनी ज़मीनें दे रहे हैं यहूदियों को चर्च बना सैनिकॉग बना कर दे रहे हैं ईसाइयों को चर्च बनाकर दे रहे हैं और हिंदुओं को मंदिर बनाकर दे रहे हैं लेकिन बदकिस्मती ये है मुसलमानों के लिए कि उन्हें मक्का और मदीना आने की इजाज़त नहीं है जिस पर मुसलमान एतराजा उठा रहे हैं कि ये किसी खास मकसद के लिए मुसलमानों को मक्का और मदीना मुनवरा से रोका जा रहा है नासिक काम सऊदी अरब के अंदर जहाँ मक्का और मदीना पर पाबंदियाँ हैं वहीं नाच गाने रक्सो सुरूर और फिल्म बीनी सैनमा में जाने और इसी तरह से जो फहाशी और महाफिल हैं अब सऊदी अरब मुसलमानों पर इस्लाम पसंदों पर इस्लाह पसंदों पर तो पाबंदियाँ लगा रहा है लेकिन जो अयाशी और फहाशी और यानी फैलाने वाले जो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को आम करने वाले लोग हैं उनको इजाजत दी जा रही है कि वो सऊदी अरब सऊदी अरब के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक हेट आया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम के अंदर जब से सऊदी अरब ने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों में अब ओमिक्रोम आपको पता है कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसके खतरे के कारण सऊदी अरबिया ने हज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं स्पेशली जो बाहर की कंट्रीज़ हैं सऊदी अरबिया के अलावा जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उन पर तो उसको लेकर इस बंदे ने इस तरीके से ट्विस्ट किया है आप देखेंगे कि इस बंदे ने किस तरीके की बातें की इस बंदे ने हिंदू यहूदी ईसाई सबको ले आए सलमान खान को भी ले आए ये बंदा अभी आपको पता होगा हाल ही में सऊदी अरेबिया में कुछ सोस वग़ैरह हुए थे कुछ कंसर्न हुए थे जिसमें जस्टिन बीबर भी आए थे उसके बाद सलमान खान का हुआ था फिर इस तरीके की चीज़ें सऊदी अरेबिया में हो रही है जिसको लेकर ऐसा रिएक्शन आया था भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों का अगर वो रिएक्शन आपको देखना तो आप जाइए सोशल मीडिया पर आप चेक करिए या किसी मौलाना को देखिए जिसने सऊदी अरब के खिलाफ कुछ बोला है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में देखिए आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसे लंबे लंबे लेक्चर है क़यामत ये वो अरब ये हो गया वो होगा और मतलब हद कर दिया लोगों ने तो वो सऊदी अरेबिया है उसका भी ऑयल ख़त्म होगा उसके पास उसके पास कुछ रास्ता नहीं है कि उसकी इकोनॉमी कैसे चले इन फ्यूचर तो वो नए तरीके से अपने देश को इस्टेब्लिस करना चाहता है लेकिन यहाँ के लोगों का इस तरीके का रिएक्शन आप देख सकते हो स्पेशली इस बंदे का आप रिएक्शन देख रहे इसको नाच गाने से और इससे बहुत ज़्यादा चिड़ है भाई पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े सिंगर हुए पहले आप उनको खत्म करो पूरी तरह से उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री बर्बाद कर दो ड्रामा इंडस्ट्री बर्बाद कर दो जाके उनके घर के सामने पत्थर मारो अगर आपको इतनी ज़्यादा चिड़ है नाच गाने से पाकिस्तान में भी फिल्में बनती हैं ड्रामे बनते हैं वो सब बंद कराओ फिर सऊदी अरेबिया को लेक्चर देना तो गाइज़ आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में हालांकि ये सिंपल सा टॉपिक था केवल और केवल ओमिक्राम जो आपको पता होगा कोविड का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉम उसकी वजह से ये मतलब रिस्ट्रिक्शन लगे हैं और इंडिया में भी आपने देखा होगा धीरे धीरे पाबंदियां स्टार्ट हो गई है फिर से शायद लॉकडाउन लग जाएगा अगर ये बहुत तेजी से फैलता है और उसके कुछ पता नहीं इंडिया में कैसा इसका असर होता है तो आप देख सकते हैं तो इनका इस तरीके का रिएक्शन आना ही था आपके क्या कमेंट है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे देखा इन पर एक मरतबा फिर सऊदी हुकूमत ने पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है आज 30 दिसंबर से सऊदी अरब के हरमैन शरीफैन समेत सऊदी अरब की हजारों मस्ाजिद के अंदर जो कोरोना के नाम पर सख्त हिदायत हैं उनका इजरा होगा और इतलाक़ होगा इसी हवाले से सऊदी अरब के जराय अब्लाग पर ख़बरें नशर हो रही हैं कि मक्का मुकरमा के अंदर मस्जिद हराम में और मदीना मुनवरा के अंदर मस्जिदी मस्जिद नबी के अंदर नमाजियों के दरमियान फ़र्क रखा जाएगा और कोरोना रिस्ट्रिक्शंस पर अमल करवाया जाएगा नासिक आप जानते हैं अभी चंद दिन पहले सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान किया था कि अब सऊदी अरब के अंदर कोरोना की जो वबा है वो थम रही है रुक रही है ऐसे में दुनिया भर से जो मुख्तलिफ मालिक के उम्र जायरीन हैं उनको उम्रे की इजाज़त दी गई थी लेकिन नासिकाम अभी उमरे के लिए मुख्तलिफ मालिक से लोगों ने सऊदी अरब का रुख ही किया था कि अब नई पाबंदियाँ एक मरतबा फिर लगा दी गई हैं जिसके बाद ये इम्कान पैदा हो गए हैं कि अब एक मरतबा फिर सऊदी अरब के अंदर उम्र बंद हो गया है और सऊदी अरब के अंदर अब लोग उम्र के लिए नहीं जा सकेंगे जहाँ नासी काम सऊदी अरब के अंदर उम्र की बंदिश के हवाले से इतरात अब सामने आ रही हैं वहीं रवान साल भी हज बंद होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है आप जानते हैं गुजशत दो सालों से सऊदी अरब के अंदर बैरून ममालिक से किसी भी तरह से लोगों को हज में आने की इजाज़त नहीं दी गई है और सिर्फ सऊदी अरब के अंदर जो मुकीम लोग हैं या सऊदी शहरी हैं उन्हें ही हज पर जाने की इजाजत दी गई है तो अब एक मरतबा फिर यह इम्कान पैदा हो रहे हैं कि सऊदी अरब के, के अंदर तीसरे साल भी मुसलसल हज को बंद रखने पर बंद रखने के लिए गौरविक्र हो रहा है और तीसरे साल भी हज को बंद रखने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं नासीिकम सऊदी अरब के अंदर है। जो मस्जिद मस्जिद नबी के अंदर पाबंदियाँ हैं हरमैन शरीफन पर पाबंदियाँ हैं इस हवाले से दुनिया भर के अंदर बसने वाले डेढ़ अरब के लगभग मुसलमान काफ़ी गमों गु़स्से के अंदर हैं मुसलमानों की जानब से इन फ़ैसलों पर सख्त तनकीद की गई है क्योंकि नाजिर आप जानते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक अपने मुल्कों के वीज़े खोले हुए हैं और वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं वहां सियाह जा रहे हैं लेकिन बदकिस्मती यह है कि सऊदी अरब के अंदर सियाहों को टूरिस्ट को आने की उस तरह से दो सालों में इजाजत नहीं दी गई जिस तरह से दुनिया के दीगर हाँ इजाजत है ना सिक्म आप बरतानिया को देख लें यूरोप को देख लें अमरीक़ा को देख लें और इसी तरह से आप तुर्की को देख लें अरब मतहदार को देख लें और जो सऊदी अरब का शहर रियाज़ है और दीगर इलाके हैं जहाँ पर फिल्म फेस्टिवल्स हुए हैं जहाँ पर म्यूज़िक कंसर्ट हुए हैं इन तमाम जगहों पर सियाहों को टूरिस्ट को आने की इजाज़त दी गई है लेकिन बदकस्मती ये है मुसलमानों के लिए कि उन्हें मक् और मदीना मुनवरा आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है उन पर पाबंदियाँ हैं और कोरोना के नाम पर उन पर सख्त हिदायत हैं तो ये सूरत हाल है सऊदी अरब के अंदर है, जिस पर मुसलमान काफ़ी रंजीदे हैं काफ़ी इसराब में हैं काफ़ी परेशानी में हैं आप जानते हैं नासिक काम दुनिया भर के अंदर क्रिकेट के मेले होते हैं आप जानते हैं मुतहदार के अंदर आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हो चुका है उसके लिए दुनिया भर से सियाह आए हैं टूरिस्ट आए हैं और इसी तरह से नासी काम अब दो हज़ार बाईस के अंदर है, चाइना के अंदर ओलंपिक मुकाबले हो रहे हैं वहाँ पर भी दुनिया भर से खिलाड़ियों को और उनके टूरिस्ट को आने का फ़ैन को आने का इजाज़त दी जाएगी और इसी तरह से नासी काम आप जानते हैं के अंदर है। फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है वहां पर भी टूरिस्ट को आने की इजाजत दी जाएगी लेकिन बदकिस्मती है मुसलमानों के लिए कि उन्हें मक्का और मदीना आने की इजाजत नहीं है जिस पर मुसलमान एतराज उठा रहे हैं कि यह किसी खास मकसद के लिए मुसलमानों को मक्का और मदीना मुनवरा से रोका जा रहा है नासिर काम सऊदी अरब के अंदर जहां मक्का और मदीना पर पाबंदियां हैं वहीं नाच गाने रक्सो सुरूर और फिल्म बीनी सिनेमा में जाने और इसी तरह से जो फहाशी और यानी की महाफ़िल हैं उनको सजाने या उनमें जाने की इजाज़त है आप जानते हैं सऊदी अरब के अंदर रियाज सीज़न के नाम से जो जो कुछ है फहाशी और यानी की जो महाफिल सजाई गई हैं उनका सिलसिला अब भी जारी है इसी हवाले से जो तुर्की के जो जो जो, 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 जो सऊदी अरब के इन मामला के जो मसूल हैं या जिम्मेदार हैं या वजीर आप कह लें उनका नाम तुर्की आर शेख बताया जाता है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट की है उसके अंदर यह बात लिखी है कि आठ मिलियन जायर मौसम रियाज के अंदर आए हैं जिनमें से छ लाख सियाह थे आठ मिलियन का मतलब नाजुन कर आप जानते हैं कि अस्सी लाख जो लोग हैं वो रियाज सीजन के अंदर आए हैं मौसम रियाज के अंदर आए हैं उसमें छः लाख टूरिस्ट थे छः लाख सयाह थे तो इससे आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाती है के जो मौसम रियाज़ के अंदर है कोई वहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन नहीं था कि जिसे आप ये कहें कि लोगों का जाना बहुत ज़रूरी था वहाँ पर काम सबसे ज़्यादा जो फंक्शन हुए हैं वो नाच गाने के हुए हैं आप जानते हैं भारत के जो अदाकार हैं सलमान ख़ान उनको वहाँ पर बुलाया गया और उनकी जो मौसीकी की महफल सजाई गई उसके अंदर लाखों लोगों ने शिरकत की जिसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठे मखलूत इजमा हुआ और इस वक्त भी नाजिर काम अगर आप ट्विटर पर या इंटरनेट पर जाकर सर्च करें तो आपको यह बात मिलेगी कि रोज़ाना रियाज के, के अंदर जो दुनिया भर से अदाकार हैं गाने गाने वाले हैं गुलकार हैं और नाच गाने वाली औरतें हैं उनकी रोज़ाना महफिलें हो रही हैं और जनवरी के आखिर तक ये सिलसिला जारी रहेगा और ये जो महाफिल हो रही हैं ये जो रकस व सरूव नाच गाने की महफिलें हैं इन में ना तो कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस हैं ना पाबंदियाँ हैं और इनके अंदर साथ, साथ बैठा जाता है रकस व सुरू होता है नाच गाने होते हैं तो ये सब चीज़ें अलाउ हैं इन सब चीज़ों की इजाज़त है लेकिन मक्का और मदीना मनवरा के अंदर मुसलमानों को उम्र करने की और हज पर जाने की इजाज़त नहीं है यही वो दोहरा मैार है जिस पर अब दुनिया भर के मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं और दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मक् और मदी